Chappelle Cut. जिसका हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मैनेट वर्क्स। ओके, सो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। आकृति गॉट अ प्रीटी वंस डे, ही लुक्ड आउट द विंडो एंड वाज सरप्राइज्ड टू सी सो मेनी पीपल एट वर्क ऑलरेडी। द वेजिटेबल सेलर वाज सेलिंग वेजिटेबल्स, द स्वीपर वाज क्लीनिंग द स्ट्रीट एंड द गार्बेज कलेक्टर वाज एम्प्टीइंग द बिन्स इन अ बिग कार। The milkman was going door to door with his milk cans. That day she felt that our leaves were very easy because of them. मतलब जो आकृति वो सुबह सुबह उठी, उसने क्या देखा, खिड़की में से सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जो वहाँ का मतलब वो देख के शॉक्ड हो गया कि इतने सुबह सुबह भी लोग अपना काम कर रहे हैं। जो वेजिटेबल सेलर है मतलब सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, जो झाड़ू लगाने वाला है वो झाड़ू लगा रहा है, क्लीन कर रहा है स्ट्रीट को, उसका जो गार्बेज कलेक्ट करने वाला है वो गार्बेज कलेक्ट कर रहा है, बीन्स मतलब जो डस्टबिन्स होते हैं उसमें, दूध वाला है दूध बेच रहा है। ठीक है, इसी तरह से उसे समझ में आया कि सभी लोग जो काम करते हैं उसी कारण हमारी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा ईजी है। ऑल दिस एंड मेनी मोर पीपल वर्क टू अर्न अ लिविंग एंड मेक अवर लाइफ कम्फर्टेबल। इसी तरह से लोग काम करके अर्निंग करके मतलब पैसे कमा के अपनी लाइफ को क्या बनाते, ईजी बनाते, कम्फर्टेबल बनाते हैं। There is division of labor as work is divided in our society for each other's convenience. Even in earlier times, the society was divided into four quadrants on the basis of division of work. मतलब अभी तो क्या होता है, जब सब लोग काम करते हैं वो अपने कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मतलब अपने जो वातावरण या अपने मतलब काम अपने जो उनको सही लगता है उसके अनुसार अपना काम चूज कर लेते हैं। बट पहले के ज़माने में क्या होता था, जो हमारी सोसाइटी थी वो मतलब कुछ भाग में डिवाइडेड थी। किसके अकॉर्डिंग, वर्णास के अकॉर्डिंग। कितने वर्ण होते थे, 4 वर्ण होते थे। ठीक है, जो उनके काम के अकॉर्डिंग रहता था, जैसे इसमें लिखा है ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स क्या कहते थे, दे वर द लर्न प्रीस्ट, मतलब जो वेद पढ़ते थे उन्हें क्या कहते थे, ब्राह्मण्स कहते थे। फिर क्षत्रिय, दे वर द सोल्जर्स एंड वॉरियर्स, मतलब ये लोग क्या होते थे, सैनिक होते थे। ठीक है, जो युद्ध लड़ते थे। उसके बाद क्या होते थे, वैश्यास, दे वर द ट्रेडमैन, जो लोग व्यापारी होते थे उसे क्या कहते थे, वैश्यस कहते, वैश्यास के मतलब वैश्य, वैश्य वर्ण होता है वो होता है। उसके बाद शूद्रास, दे वर द लोली कंसिडर्ड पीपल, मतलब जो लोग बहुत ही वो कहते हैं ना नीचे जाति वाले होते हैं, जैसे जिनका काम कपड़े बनाना, मटके बनाना या फिर सफाई करना, जो सफाई कर्मी होते हैं जो, ठीक है, तो वो क्या होते थे, शूद्रास होते थे। द शूद्रास वर्स डिस्क्रिमिनेटेड एज दे वर इंगेज इन मेनियल जॉब, माइनियल जॉब, दे वर केप्ट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो शूद्रास होते थे उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। बिकॉज वो लोग क्या करते थे, जो छोटे मोटे काम होते थे, साफ सफाई करना, लोगों की सेवा करना, ऐसा काम किया करते थे, तो सब लोग क्या करते थे, उनको अपनी सोसाइटी से, समाज से अलग निकाल कर रखते थे, मतलब उनसे दूरी बनाकर रखते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे, उनको नीचा दिखाते थे। All workers provide us with essential services that make our life comfortable and we all the interdependent on one another. How will people reach office in time if the clothes are not ironed on time or the vegetable seller doesn't provide us with vegetable to be taken in the tiffin? मतलब हर इंसान पे हम डिपेंडेबल है। अगर हमको मान लो अगर जो हमें सफाई मतलब अगर प्रेस करने वाला हमको हमारे कपड़े प्रेस करके नहीं देगा तो हम क्या पहनेंगे। अगर मान लीजिए हमें जो सब्जी वाला है सब्जी बेचने नहीं आएगा तो हम हमारे टिफिन में क्या लेके जाएंगे। इसी तरह हम हर इंसान एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, डिपेंड है। अवर लोकेलिटी वुड बी सो डर्टी स्नीकिंग एंड अनहाइजीनिक इफ द स्वीपर डिडंट स्वीप द स्ट्रीट एंड द गार्बेज कलेक्टर डिडंट डिस्पोज ऑफ द गार्बेज एट अ प्लेस फॉर अवे फ्रॉम अवर हाउसेस। हाँ, अब देखिए हमारे जहाँ हम रहते हैं जिस गलियों में रहते हैं, अगर मान लीजिए स्वीपर वहाँ नहीं आया तो वहाँ पे कितनी गंदगी होगी। ठीक है, अगर गार्बेज कलेक्ट करने वाला गार्बेज कलेक्ट नहीं करेगा तो हमारे जो घर है, हमारे जो गलियाँ हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे ना। इसी तरह हर इंसान एक छोटे से छोटे इंसान पे भी क्या है, निर्भर है, चाहे वो बहुत बड़े पद पर हो या बहुत छोटे पद पर हो, सभी हम हमारी पूरी सोसाइटी में एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। Every occupation in the profession is respectable. People work in different capacities to earn money. मतलब जो हर तरह का काम, कोई भी occupation चाहे छोटा हो बड़ा हो, सब क्या है, respectable है, सबके हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, हर इंसान की अलग अलग capacity होती है, अलग अलग quality होती है, जिसके according वो अपना काम
करता है। अब सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद एंड मेनी अदर सोशल रिफॉर्मर्स वर्क टू इरेडिकेट द कैस्टियम फ्रॉम द सोसाइटी। दे थॉट दैट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन कुड क्रिएट अन इक्वलिटी अमंग्स ऑल पीपल एंड मेक द वर्ल्ड अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। बापू हैज महात्मा गांधी वॉज लवलिंगली कॉल्ड वॉज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। He demanded respect for all occupations and said that work was like worshipping God. He himself cleaning the toilets, cooked food and mopped the floor to show people that there should be dignity of work amongst the people. He called the untouchables as Harijans, people of God. मतलब सबसे पहले किसकी बात है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये देखिए ये है राजा राम मोहन राय, फिर ये महात्मा गांधी, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये स्वामी विवेकानंद जी की क्या है, एक समाज सेवक है, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर से। इन लोगों ने क्या करा, हमारे देश में भेदभाव जातिवाद को हटाया, लोगों को जागरूकता फैलाई कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमें बिना भेदभाव किए इस दुनिया में रहना है और हमारा जो देश है उसे क्या खूबसूरत दुनिया का भाग बनाना है, इस दुनिया को जीने लायक बनाना है। अब महात्मा गांधी ने जो भेदभाव था उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्टली मतलब मूवमेंट किया, उन्होंने कहा कि हर काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जो काम होता है, काम ही क्या होता है, भगवान होता है। उन्होंने खुद टॉयलेट साफ किए, ठीक है, पोछा लगाया, झाड़ू लगाई, खुद खाना बनाया, ठीक है, उन्होंने बताया कि हर इंसान के हर काम की अपनी क्या होती है, एक डिग्निटी होती है। और जो अनटचेबल लोग थे, मतलब जो हरि मान लीजिए जो वो नीचे जाति के लोग थे, उन्होंने क्या नाम दिया, हरिजन नाम दिया। हरिजन का मतलब होता है पीपल ऑफ गॉड, मतलब भगवान के लोग। आगे डिग्निटी ऑफ लेबर, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू वर्क फॉर द अपलाइटमेंट एंड द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। दिस कैन बी अटेंड बाय रियलाइजिंग डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स दैट नो वर्क शुड बी कंसिडर लो, ऑल टाइप्स ऑफ जॉब शुड बी रिस्पेक्टेड। इट हेल्प एंड मोटिवेट्स पीपल टू टेक प्राइड इन वॉट एवर वर्क दे डू। दिस विल हेल्प देम टू वर्क विद डेडिकेशन एंड द कमिटमेंट। मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है कि हर काम का अपना अपना क्या होता है, एक सम्मान होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन वेस्टर्न कंट्री नो वर्क इज कंसिडर मेनियल, इवन द स्कूल चिल्ड्रन वर्क ऑन द हॉलीडे टू अर्न सम पॉकेट मनी। द हाउस क्लीनर कम वंस अ वीक टू मोप एंड क्लीन द एंटायर हाउस। दे आर गिवन ड्यू रिस्पेक्ट एंड दे कैरी आउट देयर टास्क विद प्राइड। मतलब हमारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो सफाई करने वाले होते हैं उनको नीचे जाति वाला समझा जाता है, जबकि जो फॉरेनर्स कंट्री होती है वहां पर सभी को क्या समझा जाता है, एक समान समझा जाता है। यहाँ तक कि जो बच्चे भी होते हैं वो भी अपने जो हॉलीडेज होते हैं उसमें काम करते हैं कि जिससे उनके कुछ पॉकेट मनी मतलब उन्हें कुछ पॉकेट मनी मिल जाए, ठीक है। वहां पे हर इंसान को अपना मतलब जो सफाई करने वाले होते हैं उनका भी क्या होता है, एक प्राइड होता है, उनकी भी एक मतलब क्या कहते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, ठीक है। वॉट इज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इफ पर्पज ऑफ ऑल वर्क इज सेम टू डू समथिंग टू मेक अवर एंड अदर्स लिव्स कंफर्टेबल। मतलब किस बेसिस पे मतलब किस मतलब बिहाफ पे किस आधार पर भेदभाव किया जाता है, जबकि हर काम क्या है, सेम टू सेम है, हर काम क्या है, एक जैसा है, और हर काम क्या करता है, हमारी लाइफ को क्या बनाता है, इजी बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है, ओके। रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स लो टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स सिटीजन्स। मतलब जो हमारी सरकार है उसने सिटीजन्स किया है, मतलब उनको उनकी समझ सोच और मतलब उनके सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। देखिए अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आर बैंड। हमारे देश में जातिवाद, ठीक है, ऊंच नीच जो छुआछूत होती है, डिसेबिलिटी अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, ये सब क्या है, बैंड है, पूरी तरह बंद है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और वर्क। किसी की भी कभी भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसके बेसिस पे, जात, कास्ट, क्रीड, मतलब कोई भी मतलब उनके काम या जेंडर, लिंग या किसी भी काम के आधार पे। अवर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड राइट टू इक्वलिटी। मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है किसका, समानता का अधिकार, जिसके आधार पर हर इंसान क्या है, समान ही, चाहे वो कितना ही रिच, कितना ही अमीर हो, और चाहे वो कोई कितना भी गरीब हो, सबके पास क्या है,
सब बराबर है, कोई भी अलग नहीं है. वी एज द फ्यूचर सिटीजन्स मस्ट पुट एन एंड टू ऑल अनजस्ट सोशल practices and respect all occupations. Our life would not be smooth without our service provider. Respect all professions. Parent must encourage the children to do certain easy tasks all by themselves so that they understand the importance of dignity of labor and develop a sense of the responsibility. मतलब हमें हमारे देश में हमारे जो social practice है या जो भी occupation है, हर occupation का हर वर्ग का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए. Because अगर कोई भी इंसान जो हमारे हमारी लाइफ को comfortable बनाता है, अगर वो नहीं होगा तो हमारी लाइफ इजी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी लाइफ बिना इनके कभी इजी नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग हमारी लाइफ को क्या बना, ये जो सर्व ये क्या है, एक तरह के सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं. इसलिए हमें हर प्रोफेशन के रिस्पेक्ट करना चाहिए और हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर तरह के काम करने वालों को क्या करें, सम्मान दें, उनका आदर करें. इसी तरह से हर काम के प्रति जो डिग्निटी है वो हमारे देश में डेवलप होगी और हर इंसान इंसान में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. ओके, इससे रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन एंड आंसर हैं हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे. ओके, थैंक यू एंड बाय. स्टे होम, स्टे सेफ.